हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल सावी स्टडी अड्डा। हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के सबसे बारे इसके बारे में हम जान लें तो भौतिक विज्ञान के बारे में बताया था हमने कि भौतिक विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति विज्ञान भी कहते हैं। तो प्रकृति विज्ञान कहने का कारण क्या है? कारण यह है कि भौतिक विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं, इसी कारण इसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे ग्रहों का वेग, ग्रहों की चाल, ग्रहों से संबंधित मतलब उनके बीच की दूरियां, उनकी उनका पलायन करना या उनका कक्षाओं में चक्कर लगाना, उनके प्रकाश वर्ष कहने का पर, या फिर भूमंडल की बात कर लें जिसमें भूकंप की तीव्रता या फिर किसी प्रकार का यंत्र, तो कोई भी घटना होती है उन सभी घटना यानी कि प्रकृति में घटने वाले समस्त घटनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। और हमने बताया था कि भौतिक शब्द इनका इंग्लिश रूप क्या है, फिजिक्स, जो किससे बना था, फ्यूजिस से बना था। किससे बना था? फ्यूजिस से, जिसका अर्थ होता था नेचर। क्या था? नेचर। और नेचर में क्या होती है? प्रकृति। तो अब ये तो हमारा क्या हो गया, इसका परिचय, इसके बारे में बताया था कि इसके कौन कौन फादर्स थे। न्यूटन को बताया था हमने, और किसको बताया था, गैलीली को बताया था, और क्या बताया गया था, आइंस्टीन को बताया गया था। आइंस्टीन को बताया गया था के तीन क्या थे, जनक थे। और साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें विद्युत, क्या पढ़ेंगे, करंट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ा जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का नाम है विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा। तो अब विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा यानी कि किसे विद्युत परिपथ में, अब विद्युत परिपथ का नाम है, विद्युत परिपथ है क्या, यानी कि वह मार्ग जिससे हो करके मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसे हम परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। और आपके आम भाषा में इसको क्या आप बोलते हैं, तार भी कहा जाता है। यानी कि जिससे होकर हमारी विद्युत धारा क्या करती है, गमन करती है, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं या तार कहते हैं। अब ये धारा के गमन का कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा क्यों गमन करती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? तो आप तो बता दें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में, किस कोष में, बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही, किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि इसके ऊपर नाभिक द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यह अपनी कक्षा को छोड़ करके जा सकता है। क्या कर सकता है? जा सकता है। यानी कि नाभिक इसको पूरी तरह से बांधने में सामर्थ्य नहीं रहती है, जिसके कारण ये अपने बाहरी कक्षा से निकल करके जा सकता है। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का गमन होता है, जिसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अमुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का गमन होता है। अब इसके बाद हम बात कर लें, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, अब
यानी किसका गमन कहां से कहां होता है। इलेक्ट्रॉन देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये किधर जाएंगे, हमारे ट्रांसफार्मर की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, ट्रांसफार्मर की तरफ, और विद्युत धारा किधर आएगी, ट्रांसफार्मर से उपकरण की तरफ, उपकरण से इलेक्ट्रॉन किधर गमन किए, ट्रांसफार्मर की तरफ, और जो धारा हमारी है ये किधर की तरफ गमन करेगी, उपकरण की तरफ, उपकरण की तरफ गमन करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत विद्युत धारा गमन करती है। अब विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, उसके पहले हमें हम लोगों को देख जानना होगा आवेश, वैद्युत आवेश। यह वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, तो वैद्युत आवेश की जब बात कर लें तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकेंड यानी एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उनकी संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। मान लिया कि एक सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो एक सेकेंड यानी कि एक सेकेंड गुणे एन, तो यानी कि वैद्युत आवेश को किससे निरूपित करते हैं, क्यू से निरूपित करते हैं। अब हमने क्या कहा, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, जहां एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉन संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है, कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। तो वैद्युत आवेश क्या हो गया, वैद्युत आवेश को हमने कहा कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब बात कर ले वैद्युत धारा की, वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा क्या, वैद्युत धारा क्या है, तो अब हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह दर को, किसके आवेश की प्रवाह दर, किसकी प्रवाह दर, आवेश की प्रवाह दर क्या कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, I से निरूपित करते हैं, किससे निरूपित करते हैं, I से। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। और वैद्युत धारा का जो मापन करते हैं किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं, किससे करते हैं, अमीटर से वैद्युत धारा का मापन करते हैं। तो अब आवेश प्रवाह की दर यानी कि क्यू बाई टी हो गए, यानी कि एक सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश क्या हो गई, वैद्युत धारा हो गई। आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, इसे I से निरूपित करते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक बारे में बताया, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ Q बराबर हम लोग क्या रख लें, Ne अगर रखते हैं तो I बराबर क्या मिल गया, Ne by T, Ne by T, जहाँ T क्या है, समय है, T क्या है, समय है। तो अब आगे पढ़ने के लिए आप लोग जरूर देखिएगा, अगली कक्षा का संचालन अगले दिन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।